एक बादशाह रास्ता भटक कर किसी वीराने में पहुंच गया वहां झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी में रहने वाले शख्स ने बादशाह की बड़ी खिदमत की वो गरीब जानता भी नहीं था कि ये बादशाह मुसाफिर समझकर खिदमत करने लग गया बादशाह बहुत खुश हुआ जब जाने लगा तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं बादशाह हूँ ये अंगूठी अपने पास रखो और जब कभी कोई जरूरत होगी हमारे महल में आ जाना दरवाजे पर जो दरबान होगा उसे ये अंगूठी दिखा देना हम किसी भी हालत में होंगे वो हमसे मुलाकात करा देगा बादशाह ये कहकर चला गया कुछ दिन गुजरे तो उसको कोई जरूरत आन पड़ी वो देहाती बड़े मियां महल के दरवाजे पर पहुंचे कहा बादशाह से मिलना है दरबान ने ऊपर से नीचे तक देखा कि इसकी क्या औकात है कि ये बादशाह से मिले कहने लगा कि नहीं मिल सकते मुफलसो कल्लाश आदमी है इस देहाती शख्स ने फिर वो अंगूठी दिखा दी अब जो दरबान ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं ये बादशाह की मोहर लगाने वाली अंगूठी आपके पास बादशाह का हुक्म था कि ये अंगूठी जो भी लेकर आएगा हम जिस हालत में भी होंगे उसे हमारे पास पहुंचा दिया जाए चुनाचे दरबान उसे साथ लिए बादशाह के खास कमरे तक पहुंच गया दरवाजा खुला हुआ था अंदर दाखिल हुए अब ये जो शख्स वहां चलकर आया था उसकी नजर पड़ी कि बादशाह नमाज में मशगूल है फिर उसने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए, उसकी नजर पड़ी, तो वो वहीं से वापस हो गया और महल के बाहर जाने लगा दरबान ने कहा कि मिल तो लो कहा अब नहीं मिलना है काम हो गया अब वापस जाना है वो थोड़ी ही दूर चला गया जब बादशाह नमाज से फारिग हो गया तो दरबान ने कहा कि ऐसा ऐसा आदमी आया था यहाँ तक आया था फिर वापस जाने लगा बादशाह ने कहा कि फौरन लेकर आओ वो हमारा मुहसन है वापस लाया गया बादशाह ने कहा कि आए थे तो मिल लेते ऐसे कैसे चले गए उसने कहा कि बादशाह सलामत असल बात यह है कि आपने कहा था कि कोई जरूरत पेश आए तो आ जाना हम जरूरत पूरी कर देंगे मुझे जरूरत पेश आई थी मैं आया और आकर देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं तो मेरे दिल में यह ख्याल आया मांग रहा है क्यों ना मैं भी उसी से मांग लू दोस्तों ये है वो हमें जब कभी भी कोई जरूरत हो वो जरूरत चाहे छोटी हो या बड़ी उसका सवाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से किया जाए कि वही एक दर है जहां मांगी हुई मुराद मिलती है अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए और सरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए